जनाब अली, खुश आमदीद कहते हैं हम आपको शान इल्म में, यानी कि आज के क्विज के मुकाबले में के जी अच्छा के जिसके तीनों पार्टिसिपेंट्स हमारे साथ मौजूद हैं, जनाब दानियाल शफीक साहब, जनाब मोहम्मद अकरम साहब और जनाब नौशीन सईद साहिबा, तीनों का बहुत शुक्रिया और तीनों को खुश आमदेद कहते हैं। आज का जो विनर है वो जाएगा फाइनल राउंड में। आज का जो विनर है वो अपने साथ डब्ल्यू बी बाई हिमानी की जानब से 10,000 रुपये का कैश प्राइज़ भी लेकर जाएगा, और ये याद दहानी भी कि अपने हाथों को बाकायदगी से धोते भी रहिए और अपने हाथों को बाकायदगी से सैनिटाइज करना और दीगर सरफेस स्प्रेस इस्तेमाल करना हरगिज़ भी ना भूलें, कि यह आपकी एहतियात के लिए बहुत ज़रूरी है। जनाब अली, तो रूल्स एंड रेगुलेशन आप सब लोगों के इल्म में, पहला राउंड है बजर राउंड, ठीक है जनाब, इसमें आप सही जवाब देंगे तो 10 नंबर का इजाफा होगा, गलत जवाब देंगे तो 10 नंबर की कमी होगी। सही जवाब पर हम भरपूर तालियां बजाकर आपकी हौसला अफजाई करेंगे और गलत जवाब पर हम क्या करेंगे, ठीक है भाई, हमारे ये नाथ खां दोस्त हजरात भी हमारे साथ मौजूद हैं और बहुत जल्द इंशाल्लाह हमारे जो नाथ खां हजरात है वो भी मौजूद होंगे हमारे दरमियान इंशाल्लाह। तो चले दरमियान करते हैं मुकाबले का बाकायदा आगाज, एक बार तालियां बजाते हैं फिर हम करते हैं मुकाबले का बाकायदा आगाज। चलें जी, राइट जनाब, तो मेरा आपसे पहला सवाल, क्या आप में से कोई मुझे बता सकता है कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की आमदन में, अगर आप नहीं बताएंगे तो मैं आपको ऑप्शन दे दूंगा, साल 2019 के दरमियान इसकी आमदन में अंदाजन कितने फीसद इजाफा हुआ है, तकरीबन 43% या 13%? जनाब PIA की आमदन में तकरीबन 13% इजाफा हुआ है या 43% इजाफा हुआ है? जी 13%। गलत हो गया है जवाब, ओके, 104 अरब से बढ़कर 148 अरब तक पहुंच गया है। इनके दावे के मुताबिक 8 सालों में पहली मर्तबा ग्रॉस प्रॉफिट हुआ है पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस को। बजट पेश किया जाता है हर साल, पाकिस्तान का इस साल का बजट किस तारीख, जी सर 1 जुलाई। गलत हो गया जवाब, 5 जून को इस साल का बजट पेश किया जाएगा। ये बताइए बजट पेश होगा, एक तो होता है साल जनवरी से शुरू होता है दिसंबर में खत्म होता है, एक होता है माली साल, माली साल का आगाज किस तारीख से, बीने बजे जी जुलाई से, माली साल का आगाज जुलाई से होता है, बिल्कुल ठीक है आपका जवाब, 1 जुलाई ये था इस सवाल का जवाब था, माली साल का आगाज होता है जुलाई से। जनाब कौन सा मुल्क है कि जिसने ईद के 5 दिन, किसने बजाय, बीजी तुर्की, तुर्की ने 4 दिन जो ईद के लिए लॉकडाउन में छुट्टियां दी हैं। सवाल था कि अगर आप पूरा सवाल सुनते तो आप पहुंच पाते, जवाब गलत हो गया, ताज़ियत कीजिए, हो सकता है तुर्की ने किया हो मुझे नहीं मालूम, लेकिन अगर आप पूरा सवाल सुन पाते तो आप इसका सही जवाब दे पाते, जो कि यह था कि कौन सा मुल्क है जिसने ईद के 5 दिनों में 24 घंटे कर्फ्यू लगाने का सबसे पहले ऐलान किया और जहाँ मकामात मुकद्दसा भी मौजूद हैं, इसलिए इसका जवाब था सऊदी अरब। चले जनाब, एक मुल्क है कि जिसने कोरोना में अपने शहरियों की तफरी के लिए बैल्कनी सिनेमा मुतारिफ कराया, बैल्कनी सिनेमा, ये कौन सा मुल्क है, ये मुल्क है भारत या ब्राजील, दोनों ने साथ बजाया, कह रहे कंट्रोल रूम, इसलिए हम करते हैं सवाल कैंसिल, वैसे ही बता दें अगर आप जवाब देते तो क्या देते, ब्राजील, पर आप क्या जवाब देते, ब्राजील, दोनों का जवाब सही होता, लेकिन हम दोनों के में से किसी के भी जवाब को सही नहीं मान रहे हैं, यानी कि चूंकि हम ये सवाल को कर रहे हैं कैंसिल। अच्छा जनाब आमिर फयाजी साहब को सवाल तो कीजिए, ज़ुहदुल अंबिया हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर रहमतुल्लाह अलैह का मजार, ठीक है बजर पे सवाल खत्म। हाँ जी, पाक पतन शरीफ में, जी बिल्कुल सही, ठीक है आपका जवाब, ओके जनाब, पाकिस्तान की सिर्फ तादाद बतानी है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, पाकिस्तान की सियासी तारीख में कुल कितने वज़ीरे आज़म, यस सर 4 वज़ीरे आज़म अदालत में पेश हुए, क्या बात है, बिल्कुल सही आपने जवाब का अंदाजा लगाया, जवाब भी बिल्कुल ठीक दिया, बिल्कुल सही आपका जवाब, नाम बताएंगे चारों के, हाँ जी, नवाज शरीफ, यूसुफ रजा गिलानी, राजा परवेज अशरफ और जुल्फिकार अली भुट्टो, बिल्कुल सही आपका जवाब, जबरदस्त, क्या बात है भाई, वाह 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 वाह, अंदाजन मैं आपको ऑप्शंस दे दूंगा, बल्कि अभी से ऑप्शंस दे देता हूं, तकरीबन 43,000 बिलियन रुपीस,
या 30,000 billion rupees, 30,000 अरब रुपया या 43,000 अरब रुपया, ये हो गए ऑप्शंस। सवाल है, पाकिस्तान का मजमूई कर्जा इस वक्त कितना है तकरीबन? जी सर, 30,000 अरब। गलत हो गया जवाब, ये है 42,820 billion rupees, यानी के तकरीबन 43,000 billion rupees। ये बताएं, खाने काबा, खाने खुदा, मिजाबे रहमत, जी क्या सवाल है, क्या जवाब है? खाना काबे की छत से जो पानी गिरता है उसे मिजाबे रहमत कहते हैं। गलत है जवाब, ताज़ियत कीजिए। अगेन वही वाली बात कि जवाब सही है, गलत का मतलब ये, गलत का मतलब कि ये सवाल ही नहीं था। अब मैं सवाल कर लेता हूँ, क्या था? क्योंकि जब हतीमा काबा कहलाता है, लेकिन मैंने सवाल तो अगला किया ही नहीं, सवाल नहीं किया इससे ये नहीं माना जाएगा। अब मैं अगले सवाल की, सवाल के शुरू होने के बाद बजर की शर्त है ना, तो सवाल ही शुरू नहीं किया था मैंने। आप अगला सवाल सुनिए और मशवरा है कि सुन लीजिए, होता है आपको जवाब आता हो लेकिन आप किसी और सवाल समझ के जवाब दे दें तो वो जवाब सही भी होगा तो गलत माना जाएगा ना। जिस जगह का, किसने बताया? ये हतीम, हतीम में गिरता है, परनाला, मिजाबे रहम। गलत है जवाब, ताज़ियत कीजिए। अगेन आपका जवाब सही है लेकिन ये सवाल नहीं है, इसीलिए मैं मशवरा दे रहा हूँ कि सवाल सुन तो लें। और ये रूल हमें इससे रखना पड़ता है कि इस तरह तो जाहिर है मैं सवाल शुरू करूँ कोई बजर बजाएगा, किसी भी सवाल का सही जवाब दे देगा, तो ये सवाल नहीं था। बिल्कुल मिजाब रहमत का जहाँ पानी गिरता है उसको हतीम ही कहते हैं, लेकिन ये सवाल नहीं था। फिर मशवरा दे रहा हूँ, सुन लें सवाल। जिस जगह का तवाफ मताफ कहते हैं उसको क्या कहते हैं? मताफ, ठीक है आपका जवाब। ओके ओके, कुरान मजीद की फिर मशवरा है कि सवाल सुन लेना भाई और बहन। कुरान मजीद की कौन सी चार सूरतों को चार कुल कहते हैं? सी मेरा ख्याल, जी जी, सूरह इखलास, सूरह काफिरून, सूरह फलक, सूरह नास। बिल्कुल ठीक है आपका जवाब, जबरदस्त, ठीक है। तादाद बतानी है सिर्फ, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अक्वामे मुत्तहिदा के मुस्तकिल अराकीन बी, सात है, बी सात है, इसलिए जवाब कैंसिल। वैसे क्या जवाब था आपके ख्याल में? पांच। हाँ, इसलिए किसी को भी नंबर नहीं दिया, ठीक है भाई। चले, पाकिस्तान के मारिज़े वजूद में आने के 3 दिन, जी ईद उल फितर थी, ईद उल फितर आती है, बिल्कुल ठीक है आपका जवाब, सही है जवाब। हाँ जी, अच्छा ओके, एक शेर सुनिए, शायद पहले सुना चुका हूँ लेकिन सुनिए, अगर मुकम्मल कर सकें तो कीजिएगा, ठीक है? यानी सिर्फ अगली एक लाइन पढ़ देंगे तो मुकम्मल हो जाएगा। बेपर्दा कल, अच्छा, बेपर्दा कल जो नजर आई, बेपर्दा कल जो नजर आई, कुछ औरतें अकबर गैरत कौमी से जमीन में गिर गया, पूछा जो उनसे आपका पर्दा वो क्या हुआ, कहने लगी कि अकल पे मर्दों की पड़ गया। हाँ, बेपर्दा कल जो आई नजर चंद बीबियां, अकबर जमीन में गैरत कौमी से गड़ गया, पूछा जो मैंने आपका पर्दा वो क्या हुआ, कहने लगी कि अकल पे मर्दों की पड़ गया। सही मान लिया जाए जवाब मेरा, खैर अगर इब्तदाई दो में से, लेकिन ठीक है आपका जवाब, ठीक है, ओके जनाब, तालियां बजा दें। सवाल नहीं हुआ अभी, सवाल अभी होगा, ठीक, ये तो होगा, सुने और बजर बजाएं फिर। सवाल ही नहीं किया मैंने। सबको बताएं कि सवाल क्या है, देखिए सवाल नहीं किया मैंने अभी, तो ये बताएं कि किसका शेर साथ बजा दिया दोनों ने, यार ए ए ने बजा दिया पहले भाई, अकबर अलाहाबाद, अकबर अलाहाबादी का, ठीक है आपका जवाब, ओके भाई। हाय 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 हाय, ऐसा भी होता है। आखिरी सवाल पहले राउंड का, फिर मशवरा है कि सुन लीजिएगा वरना अपने तौर पर सही जवाब देंगे लेकिन वो गलत हो जाएगा। पाक अफगान सरहद की लंबाई ए तकरीबन 24,000 किलोमीटर। गलत है, 2400 किलोमीटर है, गलत हो गया, 24,000 का फर्क है, ताजियत करें जनाब, 2430 किलोमीटर, 2400 किलोमीटर। चले जनाब, पहले राउंड के इख्तिताम पे दिलचस्प सूरत हाल है, फयाजी साहब मुलायदा फरमा रहे हैं, हम तस्वीर दिखाते हैं और फिर उस पर करते हैं फैसला, ठीक है जनाब। पहली 3 तस्वीर आपको दिखाएंगे पार्टिसिपेंट बी को, ठीक, तीनों अपने राउंड के विनर्स हैं, देखते हैं जनाब। पहली तस्वीर दिखाइएगा पार्टिसिपेंट बी को जनाब, ये क्या है? शुजाउद्दीन साहब। क्या बात है, जबरदस्त, शुजाउद्दीन शेख साहब हैं जिनके आप
शान रमज़ान का भी जो मुस्तकिल हिस्सा है, ज़बरदस्त। और क्या कहने शुजा भाई आपके, अगली तस्वीर दिखाईगा। हाँ, बिग लंदन में क्या है? लंदन, बिल्कुल ठीक है आपका जवाब, बिग बैंग क्लॉक टावर यूके। तीसरी और आखिरी तस्वीर दिखाएं, कौन सी भुट्टो? आसफा भुट्टो। गलत हो गया जवाब, फातिमा भुट्टो। नहीं नहीं, बेनजीर साहिबा की साहबजादियों में से कोई भी नहीं है, बख्तावर भुट्टो। गलत हो गए, बख्तावर, मैं भी बख्तावर कह रहा हूँ। अच्छा, एक तो ये भाई जाग जाग के, इस पर आप मुझे माफ़ फरमाएं कि अक्सर देना मैं मतलब आमिर भाई को मौसम में गया, तो ये भी होता है कभी इतना जाग जाग के। मैं अभी कहा है कि बेनजीर साहिबा की साहबजादी नहीं है, फिर मैं कह रहा हूँ बख्तावर भुट्टो साहिबा, ये फातिमा भुट्टो साहिबा है। जना चले जी, अगली तीन तस्वीर दिखाइएगा, और ये तस्वीर है टीम ए के लिए। जी जनाब, एंटोनियो। वाह जबरदस्त, क्या बात है भाई, बिल्कुल ठीक है जवाब, यूएनओ के नवे सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो कोट्रेस, बिल्कुल ठीक है आपका जवाब। अगली तस्वीर दिखाइएगा, कौन सा पैलेस लंदन में, एक ही है मशहूर, कहां रहते हैं सारे बड़े वहां के बरतानिया के शाही खानदान? बकिंगम पैलेस। बकिंगम पैलेस, बिल्कुल ठीक है आपका जवाब, ओके। तीसरी और आखिरी तस्वीर दिखाइएगा, इनके साहबजादे हैं मुर्तुजा वहाब और ये हैं फौजिया वहाब। फौजिया वहाब, बिल्कुल ठीक है आपका जवाब। जनाब, आखिरी तीन तस्वीर दिखाइएगा। वैसे मैं आप लोगों से मासूमा सवाल पूछूं, आपके ख्याल में कौन सी टीम जीतने लगी है भाई? मासूमाना सवाल, इसमें नंबर नहीं अलर्ट काटूंगा किसी के, हैं? आप बताएं फैज साहब, इन सबकी नुमाइंदगी करते हैं भाई, क्या आपके ख्याल में कौन सी टीम जीतने लगी है आज? आज मेरा ख्याल ए टीम। अच्छा, चलें देखते हैं, अभी आखिरी राउंड बाकी है, बहुत कुछ हो सकता है इसमें। चलें जनाब, दिखाइएगा पार्टिसिपेंट सी को तीन तस्वीर। जी, मिर्जा असदुल्ला खान गालिब। वाह, बिल्कुल ठीक है आपका जवाब। अगली तस्वीर दिखाइएगा, मलेशिया पेट्रोनास टॉवर्स। बिल्कुल ठीक, जबरदस्त, क्या बात है। और अगली तस्वीर दिखाइएगा, कनाडा हैंडसम वजीर आजम जस्टिन बीबर। 5, 4, 3, 2, जस्टिन ट्रूडो कनाडा के वजीर आजम। ओके जनाब, तो दो राउंड हो गए इख्तिताम पजीर, और अब तक बहरहाल जो टीम ए है वो आगे है, लेकिन बहुत आगे नहीं है, मैनेजेबल तो है मामला, तो देखते हैं कि क्या होता है, लेट्स सी। अच्छा जी, ठीक है जनाब। चलिए जनाब, तो अब मैंने करने हैं सवालात आप तीनों से, और सवालात करने 30-30 सेकंड, ठीक है जनाब, 30 सेकंड के सवालात हैं, और पहले 30 सेकंड है पार्टिसिपेंट बी। शुरू है, शुरू, तैयार है? चले जनाब, पार्टिसिपेंट बी, आपके 30 सेकंड के सवालात का वक्त शुरू होता है अब। शहनशाह बाबर का इंतकाल आगरा में हुआ या लाहौर? आगरा। ठीक, अमेरिका के वाइस सदर जिसने ओहदे से इस्तीफा दिया था, रिचर्ड निक्सन या ओबामा? रिचर्ड निक्सन। बिल्कुल ठीक, पाकिस्तान का कौमी परिंदा चकोर के मोर? बिल्कुल ठीक, दुनिया का बुलंदतरीन पोलो ग्राउंड पाकिस्तान के मिस्र? पाकिस्तान। बिल्कुल ठीक, पाकिस्तान ने हॉकी वर्ल्ड कप 4 मरतबा जीता, 14 मरतबा? 4 मरतबा। बिल्कुल ठीक, शुएब अख्तर की बॉलिंग स्पीड तकरीबन 161 किलोमीटर 191। गलत, उम्मुल किताब यानी सूरह फलक या सूरह फातिहा? सूरह फातिहा। बिल्कुल ठीक, कुरान मजीद में सबसे पहला सजदा 9वां पारा या 20वां? 9वां। ठीक है जवाब, ओके। चलिए जनाब, ओके, चले जी, अगले 30 सेकंड हैं आपके, ठीक है, पार्टिसिपेंट सी के, और आपके 30 सेकंड्स का वक्त जनाब आली शुरू होता है अब। स्टेडियम किस जबान का लफ्ज? यूनान के अरबी। बिल्कुल ठीक, चुगान किस खेल का पुराना नाम? पोलो के गोल्फ। पोलो। बिल्कुल ठीक, जर्मनी का कौन सा डिक्टेटर ऑस्ट्रिया में पैदा हुआ? हिटलर, चर्चिल? हिटलर। बिल्कुल ठीक, सोमालिया का मतलब दूध का प्याला, जहर का प्याला? दूध का प्याला। बिल्कुल ठीक, ज्लॉटी किस मुल्क का सिक्का है, रूस या पोलैंड? पोलैंड। बिल्कुल ठीक, श्रीलंका का कौमी फूल वाटर लिली या गुलाब? वाटर लिली। बिल्कुल ठीक, किस इस्लामी मुल्क में सबसे पहले एटमी बिजली तैयार हुई? पाकिस्तान, इंडोनेशिया? पाकिस्तान। बिल्कुल ठीक, सबसे पहले किस शख्स ने अपने आप को फलसफी का फिसागोरस या सुकरात? फिसागोरस। बिल्कुल ठीक, शतरंज के खेल में कौन सा मोहरा पीटा नहीं जाता, बादशाह के वजीर? बादशाह। बिल्कुल ठीक, वाह
100% जवाब, वाह वाह वाह, अच्छा 100% जवाब दिए आपने, बिल्कुल सही, ओके। अब देखते हैं आपका पिछला रिकॉर्ड आपको कितना मदद करता है ये मुकाबला जीतने में, या आपका ये वाला राउंड कितना मदद करता है। लेट्स सी, आपके 60 सेकंड्स का वक्त मेरे भाई पार्टिसिपेंट ए, 30 सेकंड का, सॉरी 30 जी, सॉरी सॉरी, आपके 30 सेकंड का वक्त शुरू होता है जनाब अली। अब पहला T20 वर्ल्ड कप 2004-2007 ठीक, अफगानिस्तान का कौमी फूल ट्यूलिप या चंबेली, ट्यूलिप, बिल्कुल ठीक। अमेरिका का कत्ल होने वाला पहला सदर अब्राहम लिंकन या अब्राहम लिंकन, बिल्कुल ठीक। भारत के किस शहर का पुराना नाम प्रयाग, चिनोय या इलाहाबाद, चिनोय, गलत। युआन किस मुल्क की करेंसी, तुर्की या चाइना, चाइना, बिल्कुल ठीक। मनोज सलवा किस पैगंबर की, बिल्कुल ठीक। मुल्क गिनी किस बर आजम में है, अफ्रीका, बिल्कुल ठीक। पोर्ट ऑफ फाइव सीज किस शहर को कहते हैं, मॉस्को या कराची, बिल्कुल ठीक। मौसीकी में कितने सुर होते हैं, 7 या 20, बिल्कुल ठीक है आपका जवाब। जबरदस्त मुकाबला, शानदार मुकाबला, और ऐसा ही होना चाहिए सेमीफाइनल का मुकाबला। मुझे नहीं, बड़ी तकलीफ हो रही थी मुझे इस रिजल्ट अनाउंस करते हुए, लेकिन खैर मुकाबला है इसलिए कोई बात नहीं, चलता है ऐसे ही होता है। तो जनाब पार्टिसिपेंट भी, आज आप जरा सा काम थोड़ा सा हल्का रहा, आपके नंबर हैं 70। सी, आपने शुरू में ज़रा गलतियां कर दी, वो जो एक जो सवाल, लेकिन अगेन ठीक है, मतलब चलता है, वो जो सवाल आप ज़रा बजर्स के हो गए वो हो गई ज़रा गड़बड़। आपके नंबर हैं 120 और आपके नंबर हैं 140। अगले राउंड के लिए आपने क्वालिफाई किया है, बहुत मुबारक हो। लेकिन तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रगुजार हूँ, खासकर पार्टिसिपेंट सी ने बहुत अच्छा खेला, तीनों के लिए बहुत सारी तालियां। WB बाय हिमानी का कैश प्राइस जाएगा आपके साथ, पर्सनल केयर एंड हाइजीन, रखिए अपना जहान सेहतमंद और महफूज। एक वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं इंशाल्लाह। ये